तो गाइज यहाँ से लगभग इधर के सारे आधा उत्तराखंड दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हैं सामने बाबा केदारनाथ का पर्वत है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हमारा करंट लोकेशन है इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि उत्तराखंड के चोपता को बोला जाता है। और अभी हम हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इस पूरे जगह को यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और अभी हम इस कैंप साइट में पिछले दो दिन से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। और ये जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है, बादल साल का हल्का ढका हुआ है, बर्फ़ से ढके, वो है केदार पर्वत। उसकी पर्वत के पीछे बाबा केदारनाथ का टेंपल है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बाबा तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने, जो कि दुनिया की सबसे ऊँची जगह पर उनका टेम्पल है, वर्ल्ड हाइएस्ट शिवा टेम्पल। तो अभी फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं हम लोग की साइकिल यहाँ पर खड़ी है, वो दो लोग अपनी अपनी साइकिल लेके जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी साइकिल लेके नहीं जा सकता। तो अभी फ़िलहाल हमारा टाइम ये है कि हम जा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाबा तुंगनाथ के लिए। आज समथिंग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तो बाबा तुंगनाथ महादेव का, तो उसको कंप्लीट करके वापस हम यहाँ पे आएंगे। फिर आई थिंक प्लान कल की बनेगी निकलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम पिछले दिन कहाँ पे रुके हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा कैंप साइट, यहाँ पे हमारा बेड है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तो ऐसी रही हमारी जर्नी, आइए हम ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, पोहा और ये भाई अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हमारे। तो नहीं, वास्तव में ये स्टेइंग और फूड का ही ट्रिप की तरफ से रहा, काफ़ी अमेजिंग रहा। और ये रहे ही ट्रिप के ऑनर। अरे मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तो। और ये भाई दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्हें ठंडी नहीं लगती है। कौन भाई? अरे अंदर है भाई साहब। तो यहाँ पे ये रहे स्टाफ लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा। हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ये रहे हमारे भैया जी। हाँ वो देखो, ये है असली मज़ा इसमें है। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं बाबा तुंगनाथ के। इधर का दिखाओ। अबे पोहा तो दिखा, चले जा रहे हैं। ने पोहा के साथ पीछे का व्यू भी। हाँ सब आ रहा, सब आ रहा। तो गाइज ये रहा आसपास का नज़ारा, और ये दो लोग साइकिल लेके आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ विदाउट साइकिल। मैंने सोचा यार कौन फालतू में उतना साइकिल चढ़ाए, उससे अच्छा ट्रैकिंग करके ही चलता हूँ। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, बहुत ही इधर के रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर हम बॉन फायर नहीं कर सकते, फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट में जाके साइकिलिंग नहीं कर सकते, नहीं तो वो 5,000 का फाइन मार सकते हैं। फिलहाल ही आप व्यू देख सकते हैं। तो हाँ जी, 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई ये ट्रैकिंग है, फिर उसके पश्चात हमारा और आपका दर्शन होगा बाबा तुंगनाथ महादेव का। तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बाबा से हम और आप दुरुस्त होंगे हर जगह। अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं इन जंगलों के बीच से मेरी यात्रा आगे बढ़ती हुई, और मैं यही प्रार्थना करूँगा हमारी जर्नी, हमारे सपने, आपकी जर्नी, आपके सपने, सबके सपने पूरे हों। बस उस सपनों के बीच में आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा ऑर्बिट बैकपैकर के नाम से। तो चलते हैं। तो हाँ जी, यहाँ से आप देख सकते हो कि चारों तरफ के माउंटेन का रेंज दिखाई देता है, और वहाँ पे ना हमें मुड़ के वहाँ पे जाना है, और वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है बाबा तुंगनाथ की। और फिलहाल यहाँ पे आप
देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग का कैंप था, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और यहाँ से सभी माउंटेन्स का रेंज दिखता है, नीचे गुप्त काशी, ऊखी मठ सब दिखाई दे रहा है। तो अभी हम उतने टॉप पे पहुँच चुके हैं जहाँ से सब कुछ हमें दिख रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है पावतुंगनाथ का प्रवेश द्वार। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। लोग तो बोलते हैं 3.5 किलोमीटर, बट मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग आते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर, कुछ लोग बोल देते हैं, हालांकि हम मान के चलते हैं 5 ही किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो काफ़ी जैसे मध्यमेश्वर और केदारनाथ बाबा का जो ट्रैकिंग था, उस ट्रैकिंग से काफ़ी ज़्यादा ये इजी ट्रैकिंग है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। आप देख सकते हो तो यहाँ से एक रास्ता है जो बना हुआ है, आगे से मुड़ के इस तरह टर्न करके जाएगा। और एक रास्ता ये है जो खुद से बनाना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आइए फिलहाल यहाँ से हम चलते हैं शॉर्टकट रास्ता पकड़ के ऊपर चढ़ जाए, ताकि डिस्टेंस टाइम थोड़ा बच जाए। तो गाइज यहाँ से लगभग इधर के सारे आधा उत्तराखंड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हैं सामने बाबा केदारनाथ का पर्वत है, और सामने है ऊखी मठ, गुप्त काशी, और ये रहा बाबा तुंगनाथ का रास्ता। अभी फ़िलहाल हम रास्ता वो है, लेकिन हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते पकड़ के, इस तरह से जैसे भैया लोग आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए बाबा के धाम पे। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत चढ़ाई है। पीछे जो दो लोग हैं मेरे साथ, वो लोग साइकिल लेके चढ़ रहे हैं, हालत तो खराब होने वाली है उनकी। गाइस ये देखो, दुनिया के सबसे ऊंची टेंपल के पास आ चुके हैं बाबा तुंगनाथ महादेव के। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी है ना, कि पांडवों ने 2000 वर्ष पहले ये मंदिर बनाया था, मतलब 2100 साल पुराना ये मंदिर है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे है, इसकी हाइट है 3460 मीटर की ऊंचाई पे ये टेंपल बना हुआ है। और पांडव इसलिए ये टेंपल बनाए थे, पूरे रातों रात पांडवों ने ये टेंपल बनाया। और टेंपल बनाने के पीछे का राज ये था कि पांडव जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में नरसंहार कर बैठे थे, तो उनसे शिव जी मतलब प्रसन्न नहीं, दुखी हो गए थे, क्रोध हो गए थे उनके ऊपर। तो पांडवों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक तपस्या की है। बहुत सालों तक तपस्या करने के पश्चात तो उन लोगों ने फिर केदार उत्तराखंड में पांच केदारों के मतलब स्थापना की, रातों रात पूरा मंदिर बनाए, जिसकी वजह से वो सोचे कि महादेव प्रसन्न होंगे। और उसके पश्चात महादेव ने इन पांचों जगहों पे उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। तो फिर उसके बाद उनका जो मोक्ष था, मोक्ष की प्राप्ति हुई उन्हें, और फिर हम पहुँचे बाबा तुंगनाथ। तो एक बार प्यार से बोलो हर हर महादेव, और हम दर्शन कराते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा टेंपल का रास्ता, और यहाँ से चंद्रशिला एक का ट्रैक है जहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आइए पहले हम दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे ट्रैकिंग पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाबा तुंगनाथ का ये टेंपल आ चुका है, तृतीय केदार। और यहाँ पे लोग लाइन लगाए बाबा दर्शन, बाबा का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हो ये महादेव का टेम्पल, अंदर छोटे भी हो
तो गाइस अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे बाबा तुंगनाथ का दर्शन करके आए थे, लेकिन फिलहाल ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये वाला रास्ता पूरा चला जाएगा चंद्रशी इलाके ट्रैकिंग के लिए, जो कि समथिंग 2 किलोमीटर के नियर अबाउट में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा। गाइस ये लोग अपनी अपनी साइकिल लेके ऊपर बाबा तुंगनाथ टेम्पल पे आ चुके हैं, और मैंने अपनी साइकिल नहीं लिया क्योंकि क्या बताएं, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं बन पाया और महादेव भी नहीं चाहते थे कि हम मैं साइकिल लेके ऊपर आऊँ, तो इसीलिए मैं पैदल ट्रैकिंग करके आया और महादेव का दर्शन किया। गाइस दर्शन करने के बाद मुझे ना मतलब ठंड जैसी फील होने लगी, फीवर आ गया, अब प्लस जुकाम भी, सर्दी भी हो गया, जिसकी वजह से मैं अपनी जर्नी को वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाया और मैं नीचे उतरने लगा। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। गाइस वो ऊपर गाड़ी दिख रही है ना, मुझे उस तरह से घूम के फिर इधर फा होके इस तरह से जाना पड़ता और मैं डायरेक्ट इस तरह आ गया। अपने बनाए हुए रास्तों पे चलने का एक अलग ही मज़ा होता है, और वो मज़ा दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त नहीं मिलेगा। तो आओ हम चलते हैं। ये लग रहा है पहले किसी का घर था, अब पता नहीं लोग रहते हैं कि बस बिजनेस करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा बहुत इस समय का बचत हुआ और वो समय हम कहीं और यूज़ करेंगे जाकर सोने में। गाइस बस मैं पहुंच चुका हूँ अपने कैंप के पास और होने हो रही है बारिश। 5 मिनट बारिश को देखने के पश्चात फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू हो गई। और गाइस ये आप देख सकते हो 5:27 पे मैं अपने कैंप साइट पे आ गया। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने समथिंग 3:40 के आसपास की 45 पे मैंने अपने वहाँ से ट्रैकिंग डाउन के लिए स्टार्ट किया था, और देखो वहाँ से ट्रैकिंग ऊपर से टेंपल से लेके मैं कैंप की साइड आ गया। जाते टाइम तो बहुत टाइम लगा, बट आटे टाइम बहुत पहले पहुँच गया मैं।